हेलो फ्रेंड्स, रासा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में मटन स्ट्यू। इस मटन स्ट्यू की खासियत ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, अमेजिंग होता है। साथ ही स्ट्यू के खाने के बाद आप हैवीनेस फील नहीं करते, जो कि मटन खाने के बाद यूजुअली हम फील करते हैं। इसे आज हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और ये बहुत ही झटपट बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे हर कोई इजीली बना सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 350 ग्राम्स मटन लिया है, जिसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। साथ ही हमने जितना मटन लिया है उतना ही वेट में हम प्याज भी लेंगे। प्याज भी 350 ग्राम्स है, इसे भी छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 10 लहसुन की कलियां हैं और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जिसे रफली चॉप कर लिया है। सूखे मसालों में 3 लाल मिर्चें हैं, ये वह तीखी वाली मिर्च है, 2 तेज पत्ता है। गरम मसालों में 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और थोड़ी सी जावित्री है। 10 काली मिर्च के दाने हैं, 1/4 टीस्पून गोटा जीरा है और 1/2 टीस्पून गोटा धनिया लिया है। 2 टीस्पून दही लेंगे, ये फ्रेश दही है, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। प्याज को काट लेते हैं, इसे हम रफली चॉप करेंगे। मटन स्ट्यू बनाते समय प्याज और मटन की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। प्याज से जो पानी रिलीज होगा उसी में हमारे मटन अच्छी तरह पक जाएंगे। मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्याज को चॉप करके रखा है उसे सब डाल देंगे। लहसुन की कलियां डाल देंगे, इसे हमने काटा नहीं है, बस इसी तरह डाल देना है। और अदरक डाल देंगे, साथ ही जितने भी सूखे मसाले थे उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच दही डाल दिया है, मिक्स कर लें। और साथ ही इसमें हम 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसे डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस मैरिनेशन को आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, इसे खोलकर देख लेते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुकर में हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा के इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। इसे हमें हाई फ्लेम पे 2 विसिल आने तक पकाना है। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जब कुकर बिल्कुल ठंडा हो जाए तब हम इसे खोल कर देख लेते हैं।
प्याज ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और ऑलमोस्ट हमारे मटन पक गए हैं। अब इसे हमें भूनना है तो हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पानी सूखने तक अच्छी तरह कुक कर लेंगे। इसमें हमें अलग से पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्याज ने इतना पानी रिलीज़ किया कि उस प्याज के पानी में ही हमारे मटन जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाता है। इसलिए ये मटन स्ट्यू और मटन की रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट होती है और बहुत ही लाजवाब होती है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाते हुए इसके पानी को सूखने तक पकाएंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है और 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। पानी देखिए इसका ऑलमोस्ट सूख गया है और हमारे मटन भी एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी डालने से इसका टेस्ट और भी बहुत बढ़ जाता है, तो आप इसमें 1 घी ऐड ज़रूर करें और इसमें 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मटन सूखा खाना चाहते हैं तो ये अभी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो इस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। आप जितना ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर से ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देते हैं और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। जी, हमारे मटन बनकर बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप हर बार इसे इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप एक बार ये मटन ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके मटन कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मेरा ये चैनल नया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो ज़रूर ही मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसे आप रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।